हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको एक एक करके मैं बताता हूं और मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना, आपके काम का है। उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप टॉप 50 क्वेश्चन BBIP क्वेश्चन जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाने हैं। अगर जिनको बुक लेना होगा, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक आती है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आप ले सकते हैं। तो आपके सामने बुक भी मैंने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना हुई 1954 में, 1960 में, 2006 में, 1984 में। तो याद रखना हमारी बात को, 1954 में लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, NISIET का नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, NISET का नया नाम क्या है, NIESBM, NIESBD, NISSSE, IIE। तो आपके लिए जो उत्तर है NISSME, तो ये आप लिख लीजिएगा। एक उद्यमी को पहचान कर नए उद्यम की स्थापना करता है, उत्पाद को पहचान कर, लोगों को पहचान कर, अवसर को पहचान कर, प्रतियोगिता को पहचान कर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी उद्यमी कोई भी उद्यम शुरू करता है, कोई भी उद्योग धंधा शुरू करता है तो अवसर को देखता है। अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, मतलब उस क्षेत्र में उस फील्ड में कितने अवसर हैं, कितने आगे हम बढ़ सकते हैं, कितना फ़ायदा कमा सकते हैं। तो अवसर आपका उत्तर होगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला है, निम्न में से उद्यमी की विशेषता नहीं है, तुरंत प्रतिपूर्ति की इच्छा, भविष्य में प्रतिउन्मुखता, उपलब्धि के अवसर को ध्यान स्थान, सफल होने पर विश्वास। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो उद्यमी होना चाहिए, उद्यमी के लिए इसमें उपलब्धि के ऊपर धन को स्थान, मतलब कि ऐसी विशेषता नहीं मानी जाती, उपलब्धि को आगे रखा जाता है, धन को पीछे रखा जाता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को, किसी उद्यमी को धन लालच पड़ जाएगा तो सफल नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना है, उसको धन तो मिल ही जाएगा, जब कोई भी व्यवसाय चमक जाएगा, कोई भी उद्यम चमक जाएगा तो धन पैसा ये सब अपने आप आ जाएगा। तो याद रखना, उपलब्धि के ऊपर धन को स्थान नहीं देना चाहिए, पहली उपलब्धि होनी चाहिए। एक उद्यमी जो नैसर्गिक प्रतिभा की मदद से व्यवसाय प्रारंभ करता है क्या कहलाता है, नैसर्गिक प्रेरित उद्यमी, अनुकरणीय उद्यमी, स्वस्फूर्ति उद्यमी, शुद्ध उद्यमी। ध्यान दीजिएगा, प्रेरित मतलब दूसरों से प्रेरणा मिल जाए ना, दूसरों को देखकर व्यवसाय शुरू कर दिया। स्वतः का मतलब अपने अंदर जो इच्छा होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक उद्यमी जो नैसर्गिक प्रतिभा की मदद से व्यवसाय प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वतः स्फूर्ति उद्यमी। इसको लिख लीजिएगा, उद्यमी कौन है जो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय व धन का निवेश करे, जो बड़ी मात्रा में धन कमाए, जो लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाए, ए और सी दोनों। तो इसमें उत्तर होगा ए और सी दोनों। जो व्यक्ति जोखिम वहन करता है और जो व्यक्ति लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाता है और जो निवेश करता है, व्यवसाय प्रारंभ करता है, उसको ही उद्यमी कहा जाता है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक सामान्य उद्यमी की विशेषता है, परिवर्तनों से भयभीत होना, मतलब कि क्या सामान्य उद्यमी, एक उद्यमी को यह परिवर्तनों से भयभीत हो सकता है, उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता, उच्च उपलब्धि की प्रेरणा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, उच्च उपलब्धि की प्रेरणा से ही, उच्च उपलब्धि की, उद्यमी का मेन काम होता है
उच्च उपलब्धि, उच्च का मतलब होता है बड़ी उपलब्धि के लिए उद्यम शुरू करना चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्यमिता विकास प्रतिरूप में मैकलीलैंड की विचारधारा जुड़ी है, मतलब कि किस विकास प्रतिरूप से मैकलीलैंड की विचारधारा जुड़ी हुई है। तो समग्र प्रतिरूप से, मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप से, आर्थिक प्रतिरूप से, सामाजिक प्रतिरूप से। तो याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, मैकलीलैंड की विचारधारा किससे जुड़ी हुई है, सामाजिक प्रतिरूप, सॉरी मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप से। एक उद्यमी जो एक नया व्यवसाय, एक नया उत्पाद, एक नई तकनीक और उद्यम को बेहतर संयोजन का परिचय देता है, उद्यमी कहलाता है अभिनव, आलसी, संज्ञानात्मक, टालमटोल करने वाला। याद रखना, अभिनव कहलाएगा इसमें। उद्यमी का लक्षण है, उद्यमी का लक्षण क्या होता है, अभिनवपूर्ण सोच, अभिनवपूर्ण सोच, पहल करना, जोखिम लेना, उपर्युक्त सभी। तो आपका विकल्प जो होगा उपर्युक्त सभी के लिए सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की गई मुकेश अंबानी के द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा, धीरू भाई अंबानी के द्वारा, सेठ शिव नारायण बिरला के द्वारा। तो आपको पता हो जाएगा अंबानी के नाम से ही, धीरू भाई अंबानी के द्वारा आपका विकल्प सही होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आर्थिक परिवर्तन नहीं है, निम्न में से आर्थिक परिवर्तन, आय में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, उच्च उपलब्धि की आवश्यकता, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च उपलब्धि की आवश्यकता आर्थिक परिवर्तन नहीं कहलाता। मांग में परिवर्तन से आर्थिक परिवर्तन होगा, और मांग में और आय में ये आर्थिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्यमिता की उत्पत्ति होती है देशों से, शहरों से, जाति और धर्म से, विशिष्ट जगहों से, देश से होती है, याद रखना देश से, क्वेश्चन फंसा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक पृष्ठभूमि उद्यमिता विकास में सहायक है, उद्यमिता विकास के निरीक्षण में सहायक है, आर्थिक विकास की गति अवरोधक है, आर्थिक विकास पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, उद्यमिता का विकास सहायक है। तो याद रखना हमारी बात, उद्यमिता विकास सहायक होता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी चरित्र से तात्पर्य है एक जगह से दूसरे जगह विचरण, एक राज्य से दूसरे राज्य में विचरण, एक देश से दूसरे देश में विचरण। प्रवासी का मतलब उपरोक्त सभी। तो याद रखना, एक देश से, एक राज्य से, दूसरे देश, ये सब उपर्युक्त सभी में आएगा। अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा शक्ति, उत्प्रेरक कारक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प होगा ए और बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व करता है क्योंकि उसके पास नेतृत्व करने की शक्ति होती है, नेतृत्व करने का अधिकार होता है, नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो नेतृत्व करने के लिए प्रेरित जो होता है, नेता होता क्या होते हैं, नेता होता अपने आप ऐसे जन्म ले लेते हैं जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। नेतृत्व है आवश्यकता प्रक्रिया, आवश्यक प्रक्रिया, अनावश्यक प्रक्रिया, सतत चलने वाली प्रक्रिया। तो या उत्तर होगा सतत चलने वाली प्रक्रिया। अनुयायी का मतलब होता है नेता के पीछे जो चलता है, नेतृत्वकर्ता का अनुगमन करते हैं क्योंकि नेतृत्व करने की शक्ति होती है, नेतृत्व करने का अधिकार होता है, नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना अपना, नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है उत्तर आपका होगा। नेतृत्वकर्ता अनुयायियों पर दबाव बनाता है, अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अनुयायियों को अपनी ओर खींचता है, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी ओर आकर्षित करता है, याद रखना अपनी ओर आकर्षित करता है, अनुयायी मतलब नेता के पीछे जो जनता चलती है। उसके बाद प्रबंधक होता है अनौपचारिक नेतृत्वकर्ता, औपचारिक नेतृत्वकर्ता, स्वघोषित नेतृत्वकर्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रबंधक जो होता है औपचारिक, अनौपचारिक, वैसे होगा औपचारिक होना चाहिए, औपचारिक नेतृत्वकर्ता होता है क्योंकि प्रबंधक को औपचारिक दृष्टि से प्रबंध क्षमता बनाए रखने के लिए रखा जाता है। व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होती है जो प्रतिफल भी होगा, व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होती है जो प्रतिफल भी होगा, कम, ज़्यादा, बराबर, नकारात्मक, याद रखना व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होती है, इसीलिए सब लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। जोखिम होता है बीमायुक्त, वेतनभोगी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, जोखिम को कुछ नहीं मिलता, वेतनभोगी जो लोग नौकरी करते हैं उनको कहते हैं। निर्णय लेना होता है प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य,
अल्प महत्वपूर्ण कार्य इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, किसी भी चीज़ में निर्णय प्राथमिक कार्य को कहते हैं। नीति निर्धारण होता है निम्न स्तरीय बोला जाएगा, कर्मचारियों द्वारा नीति निर्धारण, मध्यम वर्गीय प्रबंधकों द्वारा, उच्च, उपरोक्त सभी। तो याद रखना है उच्च स्तरीय बोला जाएगा, ये जो लिखा है उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया जाता है। कार्यकारी निर्णय के लिए जाते हैं निम्न स्तरीय द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधक द्वारा, उच्च स्तरीय द्वारा, निम्न स्तरीय और मध्यम वाला, निम्न और मध्यम आपका उत्तर सही होगा। तो इसको अपनी कॉपी में इतना लिख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन से आगे बताने जा रहे हैं।